हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं फिर आ गया आपके लिए एक और वीडियो लेके। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप एंग्री हनुमान फोटो कैसे बना सकते हैं। एंड गाइस, इसमें मैं यूज़ करूंगी पोस्टर कलर्स का। एंड गाइस, जो ये हमारा फोटो है आजकल बहुत पॉपुलर है, सो आप लोगों ने इसे बहुत जगह देखा ही होगा। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक ब्रूस्टर कंपनी की शीट ली हुई है, ड्राइंग शीट। एंड सबसे पहले मैं इसे बनाऊंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, इस तरह से हमें इसे ड्रॉ करना है, इस तरह से हम इसे बनाएंगे। एंड गाइस, फोटो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। सो इसी तरह से हमें अच्छी तरह से इसे कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हम इन्हें बना लेंगे, अच्छी तरह से आप इसे बना लीजिएगा जैसे आपको अच्छा लगे। आप चाहे तो इसे और ज्यादा बड़े पेपर पे बना सकते हैं, कैनवस पे। इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। एंड इस तरह से हमें करना है इसे ड्रॉ, जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस। एंड गाइस, प्लीज ध्यान रखिए कि आपकी जो शीट हो थोड़ी बड़ी हो, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा स्पेस की जरूरत होगी। सो इस तरह से हमें इन्हें अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेना है। तो चलिए गाइस, देखते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा जो ये मैं अपनी पूरी ड्रॉ कर चुकी हूँ। सो इसका लुक कुछ इस तरह से है गाइस। अब हम करेंगे इसमें पोस्टर कलर्स। सो गाइस, सबसे हम यहाँ पे करेंगे ऑरेंज एंड येलो एंड ऑरेंज, सबसे लास्ट में हम करेंगे ब्लैक। सो सबसे पहले हम ऑरेंज कलर ले लेते हैं एंड हमें इस तरह से करना है। एंड आप वाटर की हेल्प भी जरूर लीजिएगा गाइस, क्योंकि ये पोस्टर कलर थोड़े थिक होते हैं, सो आप इनमें वाटर की हेल्प लेके कीजिएगा। सो इस तरह से हम करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस तरह से हम गाइस इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड अच्छी तरह से आपको करना है। अब गाइस, हम यहाँ से करेंगे येलो। एंड आप ब्रश को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा, या आप कोई अलग ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं गाइस इसमें फ्लैट ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें मैं फ्लैट ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। सो इसी तरह से हमें अपना ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए देखते हैं गाइस। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे जो बैकग्राउंड में है कर चुकी हूँ, हल्का सा मैं और इसमें फिनिशिंग देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमें अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग इसमें गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आप ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से कीजिएगा, जब भी आपका लुक अच्छा आ पाएगा। तो इस तरह से हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसी तरह से हम इसे ब्लेंड करेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी पूरी जो ब्लेंडिंग है एंड हमारी येलो है, ये हमारा पूरा हो चुका है गाइस। हम करेंगे अब जो इनका माउथ में हम ऑरेंज। सो अब हम ऑरेंज करेंगे, आप इसमें अपना ब्रश अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा एंड ऑरेंज जब हम शुरू करेंगे। एंड गाइस, इसमें हमें ब्राइट कलर्स का यूज़ करना है। ऑरेंज आपका ब्राइट हो, उसमें ब्लैक का मिक्स बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें ऑरेंज करना है। इसी तरह से हम ऑरेंज का यूज़ करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड गाइस, मैं यहाँ डॉम्स के पोस्टर कलर्स का यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड हम डॉम्स के पोस्टर कलर्स का ही यूज़ करेंगे इसमें, या आप कैबल के पोस्टर कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड वाटर की हेल्प से हम इसे अच्छी तरह से कर लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसी तरह से हमें करना है। सो इसी तरह से हम इनके पूरे माउथ में इसी तरह से फिल कर लेंगे। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कर लिया, अब हम इस यहाँ पे भी कर लेंगे इनके नेक पे। वाटर की हेल्प आप जरूर लीजिएगा गाइस। सो इस तरह से हम करेंगे,
देन गाइज जहाँ पे शेड हो रही है हम गाइज उसके ऊपर करेंगे ब्लैक। गाइज हम मैंने शेड इसलिए की है जिससे आपको थोड़ा आइडिया आ जाए कि हमें कहाँ ब्लैक करना है। इस तरह से हम करेंगे गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमें इस तरह कर देंगे। अब गाइज हम यहाँ पे करेंगे जहाँ शेड हो रही है ब्लैक। गाइज आप ब्लैक के लिए जैसे कि यहाँ की जगह है आप उसमें गाइज यूज़ करिएगा फ्लैट ब्रश ही, जैसे कि आप आई शेड ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइज जहाँ पे हम जो हमारे थोड़े पतले जगह है हम उसमें आप थोड़े थिन ब्रश का यूज़ कीजिएगा। सो हम ब्रश को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे एंड देन हम ब्लैक स्टार्ट करेंगे। सो हमें ब्लैक इस तरह से करना है जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमें कर देना है। इसी तरह से हम करेंगे गाइस वाटर के हेल्प से। गाइस मैं आई शेडो ब्रश का यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल जो हमारा ड्राइंग ब्रश होता है आप उसका भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम करेंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं लुक मैंने थोड़ी जगह कर चुकी हूँ एंड अब हम इसमें मैं आपको करके दिखाऊंगी। सो इसी तरह से हमें करना है जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम वाटर की हेल्प से करेंगे। एंड गाइस मैं यहाँ पे डॉम्स के ब्रश का ही हेल्प से इसे पूरी कंप्लीट कर रही हूँ। सो इसी तरह से हमें इसे करना है जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम करेंगे गाइस इसे। एंड गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सो इसी तरह से हम करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। अच्छी तरह से हमें इसे कर लेना है। इसी तरह से हम करना है। एंड गाइस जैसे कि जो हमारे ज़्यादा ही थिन एरियाज हैं जैसे कि आप देख सकते हैं आईब्रोज या फिर इसमें जितनी पेंटिंग में आप उन्हें स्केच पेन की हेल्प से भी कर सकते हैं। सो इसी तरह से हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं गाइस। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी बस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुकी है। अब हमें इसमें कुछ बारीकी के काम करने हैं। हमें यहाँ पे जो वाइट वाइट है मैं आपको वो करके दिखाती हूँ ब्रश की हेल्प से। गाइस मैं 0 नंबर का ब्रश यूज़ कर रही हूँ एंड गाइस ये कैमलिन का है। सो इसी तरह से हम करेंगे। देन गाइस हम इसे फिनिशिंग देंगे स्केच की हेल्प से। सो इस तरह से हमें कर लेना है जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी तरह से बहुत ध्यान से हम करेंगे। एंड यहाँ पे भी जहाँ जहाँ वाइट है सो इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। अच्छी तरह से हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। बिल्कुल भी गाइस हमारे वाइट एरियाज नहीं रहने चाहिए। एंड आप इसे फिनिशिंग स्केच की हेल्प से दे सकते हैं वरना आप इसे फिनिशिंग ब्रश की हेल्प से भी दे सकते हैं। सो इसी तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे गाइस। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी कंप्लीट हो चुकी है गाइस। अब हमें बस वाइट कलर का यूज़ करना है। सो हम सबसे पहले करेंगे आइज़ में। एंड आप अच्छी तरह से वाइट कलर कर लीजिएगा क्योंकि उससे आपकी फिनिशिंग आएगी एंड हमें बहुत अच्छी फिनिशिंग लानी है। एंड गाइज अगर आपको प्लीज़
ये मेरी पेंटिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। तो इस तरह से हम करेंगे एंड जो ये आइस की हमारी फिनिशिंग हो गया हमें बाद में दे देंगे, बस हम व्हाइट कलर में आपको करके दिखा रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसे हमें इसी तरह से करना है एंड और जो फिनिशिंग होगी वो हमें या इसमें लाइनिंग होगी अभी आइस की हम वो तो करेंगे बाद में। जैसे कि देख सकते हैं आप जब वो ड्राई हो जाए जब करिएगा गाइस, क्योंकि फिर आपका लुक नहीं आ पाएगा, स्केच पेन चलेगा भी नहीं पोस्टर कलर्स के ऊपर। सो इसी तरह से हम करना है जैसे कि आप देख सकते हैं एंड बस गाइस अब हम स्केच पेन से कर देंगे जिसमें डॉट्स होंगी। सो चलिए गाइस देखते हैं अब हमारा फाइनल लुक। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं बस मैं आपको आइज में करके दिखाऊंगी, वैसे तो हमारी पेंटिंग ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बस अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। गाइस मैंने यहाँ डॉक्टर टेप लगाई हुई थी सो इस तरह से हम इसे उतार लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। आप भी डॉक्टर टेप प्लीज़ गाइस ज़रूर लगाइएगा, बहुत अच्छा लुक आएगा आपका एंड आप इसे फ्रेम भी करवा सकते हैं। अगर आप इसे पेंटिंग बना रहे हैं सो आप इसे फ्रेम करवा सकते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी ये टेप उतर रही है एंड बस ये लास्ट वाली भी मैं उतार दूंगी गाइस। एंड गाइस प्लीज़ थिक पेपर यूज़ कीजिएगा अगर आप ऐसे ड्राइंग्स बनवा रहे हैं या बना रहे हैं। सो जैसे कि आप हमारे लुक देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लुक आया है एंड गाइस सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि हम लोगों ने ब्राइट कलर्स यूज़ किया, आप भी प्लीज़ गाइस ब्राइट कलर्स ही यूज़ कीजिएगा। सो बस इसी तरह से हमारी रेडी हो जाएगी, मैंने आपको ट्यूटोरियल दिखा दिया है एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। सो गाइस बाय बाय, वी मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो एंड यस गाइस ये पोस्टर कलर ड्राइंग है। सो मैं आपको एक बार लुक दिखा देती हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा अच्छी तरह से लुक। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, बाय बाय, वी मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइज़।